गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम लिखेंगे सही उत्तर। तो आप सब अपनी हिंदी की CW कॉपी निकाल लीजिए। इसके पहले हमने क्या लिखे थे, पाठ 3 वर्षा ऋतु के शब्द अर्थ लिखे थे और ये चित्र बनाए थे। अब आज लिखेंगे हम इसके सही उत्तर। निकाल ली सबने हिंदी की कॉपी और पेंसिल। चलिए पेंसिल से लिखिए, हेडिंग डालिए सही ऊ आधा ता और ता और उत्तर चुनिए। चा में छोटे मतलब चू, ना में छोटे नी, या में एक मतलब ये चुनिए। अब एक लाइन छोड़कर का नंबर डालिए। काले का में आकी मतलब का, ला में की मतलब ले काले बादल। बादल कहाँ, का हा में आकी मात्रा और चंद्रबिंदु कहाँ आ गए। काले बादल कहाँ आ गए थे, नभ में। तो उत्तर लिखिए नभ में। नभ नभ मामे की मतलब में और बिंदी नभ में, और इस पर सही का निशान लगाइए क्योंकि हमको सही उत्तर लिखना है। अब एक लाइन छोड़कर नंबर खा डालिए। हवा का बहुवचन क्या है, हवा का बहुवचन क्या होता है, हवाएं। तो उत्तर लिखिए हवाएं। हवा एम एडी का और उसमें चंद्रबिंदु हवाएं, और इस पर सही का निशान लगाइए। फिर एक लाइन छोड़कर नंबर गा डालिए। ठंडी का विलोम क्या है, विलोम मतलब विपरीत उल्टा अर्थ। तो ठंडी का विलोम क्या है, गरम। तो गरम लिखिए गरम गरम और सही का निशान लगाइए। फिर एक लाइन छोड़कर घा डाल नंबर डालिए। बादल का पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची शब्द आपको पता है ना, जो जिसका अर्थ तो एक ही होता है लेकिन एक से अधिक शब्द होते हैं समान अर्थ वाले, उनको कहते हैं पर्यायवाची। तो बादल का पर्यायवाची क्या है, मेघ। तो मेघ लिखकर उस पर सही का निशान लगाइए। अब नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक क्या है, वर्षा आने पर कौन कौन खुश हुआ। लिखिए प्रश्न, वर्षा आने पर कौन कौन खुश हुआ, लिख लिया। अब इसका उत्तर लिखिए, वर्षा आने पर धरती मोर पपीहा खुश हुए। तो वर्षा ऋतु आने पर कौन कौन खुश हुए, धरती मोर पपीहा। एक लाइन छोड़ के प्रश्न नंबर 2 लिखिए। मोर ने कब नाच दिखाया, तो उत्तर लिखिए, जब मोर एवं पपीहा ने शोर मचाया तब मोर ने नाच दिखाया।